फैजान नमाज कंप्यूटर आ गया जी। फैजान नमाज कंप्यूटर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सकीना बिनते मोहम्मद अमीन है। माशाल्लाह। हमारे रुकने शूरा अमीन काफला, उनकी शहजादी। माशाल्लाह। अपनी उम्र भी बता दें। मेरी उम्र 6 साल है। सवाल शुरू करने से पहले अर्ज करती चलूँ, अगर जवाब में कोई गलती हो जाए तो मेरी फौरन सलाह फरमाएगा। मुझे आए माशाएँ करती नहीं बल्कि शुक्रिया सलाह कबूल करता पाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज के चंद फजाइल बता दें। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दुआओं की कबूल का सबब है, नमाज अल्लाह ताला की खुशनूदी का सबब है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज दावे कब्र से बचाती है, नमाज जहन्नम से बचाती है, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज पूरी रात के लिए आसानी है, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है, नमाज से बदन को राहत मिलती है, नमाज से रोजी में बरकत होती है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ठंडक है, नमाजी को क्यामत के लिए अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। जन्नत ए बेनमाज किस तरह पाओगे, नाराज रब हुआ तो जन्नत में जाओगे, दीदार हक दिखाएगी ए भाइयो नमाज, जन्नत में लेके जाएगी ए भाइयो नमाज। बहन होकर भाइयों को नमाज की दावत दे रही है। क्या तैयारी करके आई है, मेहंदी भी लगा के आई है। माशाल्लाह। इनके अब्बू भी बैठे हुए मियां, अभी तो मुस्कुरा रहे थे मियां वाली में, स्क्रीन पर आ गए तो शायद सीरियस हो गए। माशाल्लाह। कुरान पाक में नमाज का हुक्म कितनी जगह आया है? 700 से जायज जगह पर आया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 700 से ज्यादा जगहों पर आया है। नमाज फजर सबसे पहले किन नबी अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई? नमाज फजर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सुबह के शुक्राने के तौर पे अदा फरमाई। और नमाज जोहर सबसे पहले किन्होंने अदा फरमाई? नमाज जोहर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुम्बे की कुर्बानी अपने बेटे की जान के शुक्राने के तौर पे 4 रकातें अदा फरमाई। अच्छा, नमाज जोहर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे की कुर्बानी और अपने बेटे की जान महफूज होने पर शुक्राने की 4 रकातें अदा फरमाई। नमाज असर सबसे पहले किन नबी अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई? नमाज असर हज़रत हुज़ैर इस्लाम 100 साल के बाद जिंदा हुए तो आपने 4 रकातें अदा फरमाई तो ही नमाज असर हुई। सुभान अल्लाह। और नमाज मगरिब सबसे पहले किन नबी अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई? नमाज मगरिब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मगरिब के वक्त 4 रकातें पढ़ने के लिए खड़े हुए मगर दीन पर सलाम फेर दिया तो ये मगरिब की 3 रकातें हुई। और नमाज इशा सबसे पहले किन नबी अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। सुभानअल्लाह। मैं 5 नमाज़ें पढ़ूं बाजमात हो तौफी की ऐसी अता या इलाही। आमीन। आपको हम इजाज़त नहीं देंगे आप बाजमात पढ़ने की, इस तरह बहनों को बाजमात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मैं घर में पढ़ूंगी। भाइयों को दावत दे रही हूं। मैं घर में पढ़ूंगी बगैर जमात के, घर में पढ़ू। माशाल्लाह, क्या बात है बिनते अमीन की। नमाज की शराइत बता दें। नमाज की शायद 6 हैं। तहारत, सितरे औरत, इस्तवाली किबला, वक्त, नियत, तकबीर तेरी माँ। माशाल्लाह। कंप्यूटर है तो पावरफुल उसे, बहुत तैयारी करके है। माशाल्लाह। हदीसे पाक में नमाज का चोर किसे कहा गया है? नमाज का चोर वो है जो रुकू और सजदे पूरी ना करे। नमाज से मुतालिक कोई हिकायत सुने। हज़रत सही में मुसय्यब फरमाते फरमाते हैं, मैं लगातार 20 साल तक नमाज की जान जब सुनता था जब मैं मस्जिद पहुंच जाता था। मस्जिद फरमाते हैं 40 साल तक मेरी कोई जमात फौत नहीं हुई। सुभान अल्लाह। पढ़ते रहो नमाज दोनों जहां में सबको तुम में दिलाएगी ए भाइयों नमाज। फिजारे नमाज जारी रहेगा।
माशाल्लाह, वाह भाई वाह। कोई एक शेर सुनाएंगे आप? इमदादुकुन अज बंदे गम आजादुकुन दर्दीनो दुनिया शादुकुन दर्दीनो दुनिया शादुकुन या गौसे आजम दस्तगीर दम प्यारा प्यारा मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर दम दम आजम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर मेरा पीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर अच्छा अच्छा मेरा गौसे आजम दस्तगीर अजमत वाला मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर पीर आप है पीरों के है पीर गौसे आजम दस्तगीर कौन है मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर बेमिसाल और बेनजीर गौसे आजम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर वाह भाई वाह क्या बात है। अल्लाह आपको आलिमा बामल आलिमा बनाए। माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह मदनी मुन्नी के अब्बू के लिए ये एक मदनी बॉक्स पेश किया गया और मदनी मुन्नी को इंशाल्लाह ज़बरदस्त 2600 रुपए दिए जाएंगे। सुभानअल्लाह, हाँ क्या बात है।